वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइस, मैं जा रही हूँ सरोजनी मार्केट, वो भी सैटरडे को। गाइस, मेरा ना कोई प्लान नहीं था मार्केट जाने का, बट मेरी फ्रेंड्स है ना बहुत फोर्स करती हैं, तो सोचा चलो चलती हूँ। और मैं आप सबके लिए एक ब्लॉग भी बना लूँगी, विंटर कलेक्शन इस टाइम पे कैसा आया हुआ है, अच्छा आया है या नहीं। और सैटरडे को गाइस बहुत रश होता है, इसलिए मेरा मन नहीं था। चलो गाइस, वहाँ पहुँच के ही मैं आपको वहाँ का कलेक्शन दिखाऊँगी। गाइस, फुटपाथ पर ना ये ऐसे क्लैचर्स और रबड़ बेच रहे थे, तो मैंने सोचा एक बार मैं इनसे रेट पूछती हूँ कितने का दे रहे हैं। सो गाइस, ये सब कुछ ना सिर्फ 50 रुपीज़ में दे रहे थे, क्लैचर्स और रबड़। तो गाइस, मैंने तो एक रबड़ का पूरा पैकेट ले लिया था 50 रुपीज़ का और एक क्लैचर का। इतना सही नहीं है ये? पैसे दे रहे थे ये लो। सो गाइज, आप यहाँ देख सकते हो सैटरडे को कितनी भीड़ होती है यहाँ पे। सो गाइज, हम आ चुके हैं सरोजनी मार्केट। भाई कितनी भीड़। अब यहाँ से हमारी होगी एंट्री। सो गाइज, ये मेरी फ्रेंड्स। सो ये हो गई हमारी एंट्री। यही क्लिप्स और रबड़ कुछ ज्यादा नहीं दिख रही है। एक बार यहाँ रेट पूछो, देखे कितने के मिल रहे हैं। पूछियो एक बार क्लैचर्स के रेट पूछ। 50 रुपए का एक है भैया। हम 50 रुपए का पूरा पैकेट लेकर आए हैं। दिखाइए क्या है। लिप बाम। लिप बाम लगा के दिखा। क्या लगाऊं मैं इसको? यार कुछ ज्यादा ही भीड़ हो रही है यहाँ तो आज। ₹200 की सेल लगी है। ये पजामे मिल रहे हैं यहाँ पे। देखो गाइस, हमारा बॉन्ड, हम ऐसे जाएंगे, कोई हमारे जैसे लोग कपल्स जा रहे हैं ना, हम भी ऐसे जा रहे हैं। हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। अब भीड़ से निकलना कैसे तू बताइए। चल निकल, तेरे पीछे पीछे मैं निकलूंगी। ये देखो, ये 100। और गाइस, हम रुके थे इस शॉप पे, यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। हमने रेट तो पूछे नहीं, बट मैंने सोचा चलो आप सबको दिखाई देती हूँ। आपको लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हो, इतने सुंदर। और गाइस, फ्लावर की शॉप के बगल में एक पर्स की शॉप थी। ये हमने देखा ना तो कुछ ज़्यादा खास पर्स मुझे लगे नहीं, तो हमने इसको अवॉइड कर दिया। उसके बाद गए, इतनी भीड़ थी ना, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएँ। तो यहाँ पर मुझे एक जैकेट मिली जो 300 रुपये की सेल लगी हुई थी। तो ये जैकेट देखने में ही अच्छी थी, लेकिन जब हमने फैब्रिक पकड़ा ना उसका, तो बहुत ही हल्का था। और हमने पहन के भी देखा था, मेरी फ्रेंड ने पहन के देखा था इसको, तो मतलब सिर्फ देखने में ही क्यूट था, बट गर्म बिल्कुल भी नहीं था, वॉर्म बिल्कुल भी नहीं था, तो हमने इसको भी नहीं लिया। और इसके बाद गए थे हम दूसरी शॉप पे, गए तो यहाँ पे 200-200 रुपये की सेल लगी हुई थी, जहाँ पे स्वेट शर्ट मिल रहे थे, जो कि फैब्रिक तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ना ही मुझे मटेरियल अच्छा लगा, मतलब पहनने लायक तो ये लग ही नहीं रहे थे। तो गए, मैं तो बस ऐसे चेक कर रही थी कुछ अच्छा है भी या नहीं, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, तो मैंने तो ये अवॉइड कर दिया, मैंने ये भी नहीं लिया। और इसके बाद गए, मैंने ऊपर देखा ना, तो देखो कैसी ड्रेसेस लग रही, मतलब पहनने लायक तो लग ही नहीं रही थी मुझे। और गाइस, इसके साथ ही एक 200 रुपये की सेल लगी हुई थी, यहाँ पे स्कर्ट मिल रही थी। इसमें लॉन्ग साइज़ भी था, मीडियम भी था और शॉर्ट भी था, तो मुझे स्कर्ट तो ठीक लग रही थी। मुझे एक ब्लैक एंड वाइट ये वाली बहुत अच्छी लगी, चेक वाली, तो मैंने सिर्फ ट्राई की थी बट मैंने ली नहीं। और उसके साथ में ये जैकेटें मिल रही थी 300 रुपये की। जैकेट तो मुझे ज़्यादा खास लगी नहीं, मतलब ऐवें ही थी, तो ये भी मैंने इनमें से भी कुछ नहीं लिया, ये भी मैंने अवॉइड कर दिया। और इतनी भीड़ थी ना, भीड़ के मारे तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, बस धक्के मुक्के के मारे हम बस आगे खिसकते ही जा रहे थे। और आप देखो भीड़ कितनी है। ये मेरा हाथ नहीं छोड़ेगी लगता पूरी मार्केट तक, घर तक ले चलिए मेरे को ऐसे। ठीक है ठीक है, हमने ये खरीदा है, हम खाएंगे ये पापड़। हम राम लड्डू खाने के लिए भी रुके हुए हैं। सोयाबीन का वो गोल गोल। और इस शॉप पे ना गाइस बड़े क्यूट क्यूट सामान मिल रहा था होम डेकोर का,
और इस सारे रीजनेबल प्राइस के थे। हम तो बस सिर्फ टाइम पास कर रहे थे और कुछ नहीं, हमें तो कुछ खरीदने नहीं था, हम तो बस ऐसे चेक कर रहे थे। और एनिमीज भी थे इतने सारे, अगर आपको लेना होना तो आप यहाँ ज़रूर आना। और इसके बाद गाइस हमने खाया अमरूद जो कि बहुत टेस्टी था। और गाइस यहाँ पर हमें इतनी मुश्किल से ये शॉप मिली, यहाँ पे जैकेट और कोट मिल रहे थे। हम पता बहुत टाइम से ये शॉप ढूंढ रहे थे क्योंकि यहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे जैकेटें मिलती हैं और सारी रीजनेबल प्राइस की, 500 से स्टार्टिंग थी। और हमने यहाँ से एक जैकेट भी खरीदी थी, बहुत ही सुंदर जैकेट, आप ज़रूर ट्राई करना इस शॉप पे। आप भी बताइए दिल्ली का टेम्परेचर कैसा है? गर्म। ये तो बहुत गंदा आंसर था, आपको शर्म नहीं आई? गर्मी लग रही है। थोड़ा हम सामने से पूछे, सामने दिल्ली का टेम्परेचर होता है कितना? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। आप तो बिल्कुल ही गवा रहे हो, आप अपना मुंह बंद करिएगा। मेरे को शॉर्ट जैकेट लेना। और गाइस हम इस शॉप पे आए ना, यहाँ पे बड़े क्यूट क्यूट टैडी और पिलो मिल रहे थे। और गाइस ये सिर्फ 100 रुपीस का था और इतना सॉफ्ट फैब्रिक था, हम तो बस इससे खेल रहे थे ऐसे हाथ लगा के, इतना क्यूट लग रहा था, मतलब मन कर रहा था कि इस पे सर रख के लेट जाओ यहाँ पे, बहुत ही क्यूट था ये पिलो। और इसके बाद गाइस हम गए यहाँ पर 100 रुपये की सेल लगी हुई थी, यहाँ पे स्वेट शर्ट मिल रहे थे जो कि आप खुद देख सकते हो कि इसका फैब्रिक कैसा है, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं, इतना पतला। मैं तो बस देख रही थी कि कुछ तो पसंद आया मुझे, बट मुझे इसमें से कुछ भी पसंद नहीं आया तो मैंने यहाँ पर भी अवॉइड कर दिया। और गाइस फिर मैं आई इस सेल पे जो कि 150 रुपये की पैंट मिल रही थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। बस हमें इसमें अपना साइज़ देखना पड़ रहा था कि कौन सा साइज़ हमारे आएगा, क्योंकि इसमें कुछ बड़ी भी थी और कुछ छोटी छोटी पैंट भी थी। और इसके बाद गाइस मैं आई इस सेल पे, 200 रुपये के स्वेटर मिल रहे थे, यहाँ के स्वेटर थोड़े मुझे ठीक लगे, बस हमें यहाँ पर ढूंढना बहुत पड़ता है। तो हम बस यही देख रहे थे कोई अच्छा इसमें है या नहीं। फिर हमें लास्ट में एक पीच कलर का पसंद आया जो उसका कपड़ा बस देखने में ही अच्छा था, बट लगा के हमने देखा ना तो ज़्यादा खास लगा नहीं, तो हमने ये भी नहीं लिया। छोटे छोटे कोटेशंस वाले अच्छे लगते हैं, अच्छा लग रहा है ये, अच्छा है ना, टूडे ये भी अच्छा लग रहा है बस, है ना। हां पैच सो गाइस हम आ गए थे घर पे। अब मैं आपको सारे कपड़े जो भी सामान हमने लिया है ना वो मैं सब आपको दिखाऊंगी कि हमने कितने का और क्या क्या लिया है। तो गाइस मैंने ये स्वेटर लिया था, ये लिया था मैंने 250 का, और आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा था, बट देखने में आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा लेकिन पहनने के बाद बहुत सुंदर था। और गाइस मैंने ये अपने लिए कार्डिगन लिया था, ये मैंने लिया था 250 रुपये का, ये बहुत सुंदर लग रहा था जब मैंने पहना था। और गाइस इसके बाद एक जैकेट थी, ये मेरी फ्रेंड ने ली थी, ये बहुत ही सुंदर थी, ये ली थी हमने 400 की। और गाइस ये पहनने के बाद सीरियसली बहुत ही सुंदर लग रही थी। और गाइस एक ये था कार्डिगन, ये लिया था 200 का, ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। आई नो देखने में थोड़ा ऐसे लग रहा होगा क्योंकि वो मुड़ मुड़ करके देते हैं ना, तो इसलिए इसका फैब्रिक थोड़ा सिकुड़ जाता है, बट सीरियसली बहुत ही सुंदर था ये भी। और गाइस ये लिया था मैंने स्वेट शर्ट, ये शॉप से ली थी 500 की। और एक ये शर्ट ली थी, ये ली थी मैंने 700 की, बहुत ही सुंदर लग रही थी देखने में और पहनने में भी बहुत अच्छी थी। और गाइस ये जैकेट आप यकीन नहीं मानोगे मैंने कितने की ली थी, सिर्फ 150 की, बस मिल गई है, सच में बहुत ही अच्छा चांस था वो हमें मिल गई। और गाइस एक ये कार्डिगन था, ये भी हमने 200 का लिया था, ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। और ये है ऑयल बॉटल जो हमने 150 की ली थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। सो गाइस सारा सामान ख़त्म, यही थी हमारी पूरी शॉपिंग। सो आप देख सकते हो बॉटल कितनी सुंदर लग रही है।